माय चैनल। आज इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से और टेस्टी मेथी के पराठे बनाने बताएंगे। सर्दी के मौसम में ये पराठे बहुत ही पसंद आते हैं। ये देखिए मेरे पराठे कितने अच्छे से बन के रेडी। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मेथी। यहाँ पे मैंने मेथी ली है, इसे अच्छे से कट करके और साफ़ पानी से धुल लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, दो हरी मिर्च, धनिया पत्ती, गेहूं का आटा लेंगे, उसमें एक चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च, अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन इसमें मेथी ऐड करके और अच्छे से इसको भी मिक्स करना है। अब हम आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और हमें आटा बिल्कुल सॉफ्ट और सख्त लगाना है। आटा लग चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम दो तरीके से मेथी के पराठे बनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लोइयां ले लें, जितनी छोटी बड़ी चाहिए। चलिए लोइयां बना लेते हैं। इसको बेल लेते हैं। इसको बेल लेंगे। इसके ऊपर ऑयल लगा देनी है और इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। फिर इसके ऊपर ऑयल लगा देना है, फिर इसको फोल्ड कर देना है। अब इसको बेल लेते हैं। इस तरीके से आपको बेल लेना है। अब हम दूसरे तरीके से पराठे बनाते हैं स्क्वायर में। पहले लोइयां बना लेनी है और लोइयों के आटा लगा के हमें बेल लेना है। इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। दूसरे साइड से इसको बंद कर देंगे। इसके ऊपर ऑयल लगा के फिर इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। ये स्क्वायर के रूप में हो गया। अब इसको अच्छे से बेल लेंगे। बेल के पराठे तैयार कर लेंगे। अब इसको सेक लेते हैं। सेकने के लिए तवा रख दिया है। तवा गर्म हो जाने के बाद इसमें पराठा ऐड कर देंगे। एक साइड से जब हल्का सेक जाए तभी हमको इसको पलट देना है और इसके ऊपर ऑयल लगा के दोनों साइड से पलट कर सेक लेना है। जब तक इसके ऊपर चिट्टे नहीं पड़ जाएं तब तक हमें दोनों साइड से इसको अच्छे से सेकना है। इसी तरीके से दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। पराठे को किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, छाछ, चटनी, अचार, जो आपको पसंद है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।